नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी पाखी अनामिका में। और आज दिन है बुधवार का और ये है आपका ब्लॉग विद पाव भाजी। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये है मेरी हॉट ड्रिंक सुबह की, लेमन वाटर विद थोड़ा सा शहद। और मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। और ये है सुबह का खुशनुमा बेहद खुशनुमा नज़ारा। जब धूप देखने को मिलती है ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो यही है मेरे लिविंग रूम कम किचन में रिफ्लेक्शन होके जो आती है, रिफ्लेक्ट होकर सनलाइट, वो बहुत ही सुकून देती है। सब चीज़ें ना इस तरह से जगमगाती हैं ना कि सितारों की चमक फीकी पड़ जाए। तो बस मैंने वही आपको एक व्यू दिया है। और ये है हमारे पार्ले जी बिस्किट, काफ़ी अरसे बाद खाए हैं तो इसलिए दिखाना बनता था। और ये है परी, सुबह सोकर उठ गई है और अब वो ब्रेकफास्ट करके जाएगी स्कूल, रेडी हो जाएगी स्कूल के लिए। तो यहाँ ये कर रही है ब्रेकफास्ट और आप सुनिए ये खूबसूरत नगमा। दरवाजा खुला रखना। और परी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस घर और मैं खा रही हूँ पोहा। तो मैं कर रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट और अभी बज गए सुबह के 9:45। 9:30 बजे परी का स्कूल होता है तो मैं उसको छोड़ के आई हूँ। और अब आराम से सुकून से अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ पोहा, इसके साथ जलेबी होती तो मज़ा आ जाता। तो अब मैं बना रही हूँ पाव भाजी। जो लेफ्ट ओवर सब्जी बची थी उसकी थोड़ी सी प्यूरी और थोड़ा पोहा, वो मैंने इसमें यूज़ किया है। जैसा कि आप देख रहे हो बेसिक खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं, क्यूमन सीड, राई और अब मैं डाल रही हूँ कटी हुई 2 प्याज, फिर हल्दी, धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और बस इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर मैंने एक बड़ा कैप्सिकम था वो मैंने इसमें काट के डाल दिया है लंबा लंबा। इनको अच्छे से पकने देना है, फिर उसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार सॉल्ट और उसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इतने दिनों बाद ना इस सर्दी में फर्स्ट टाइम मैंने पाव भाजी बनाई है। और ये हमने डाल दिए 2 बड़े टमाटर काट करके, और टमाटर आप कैसे भी काटो वो मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा उसमें जाके। और ये मेरा पनीर का लेफ्ट ओवर थोड़ा सा प्यूरी थी जो मैंने इसमें यूज़ की है, तो इसलिए मैंने इसमें मसाले बिल्कुल मिनिमम ही डाले थे। और सुबह का पोहा भी थोड़ा बचा हुआ था तो वो पोहा भी मैंने इसमें डाल दिया है। और बस अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए उसमें और बढ़िया से खुशबू आने लगी है। और इसके बाद मैंने करीब 5 आलू उबाल लिए थे मध्यम से बड़े आकार के, और इसमें मैंने डाला है टोमेटो केचप ताकि उससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और मैशर की सहायता से इसको हम मैश कर लेंगे अच्छे से, बाकी ज़्यादा समय लगता नहीं है, वो अपने आप भी मेल्ट हो जाता है। और क्योंकि परी है तो परी इतना स्पाइसी नहीं खा सकती है तो उसके लिए मैंने अलग से थोड़ी सी प्यूरी में 2 आलू मिला दिए। और इसको हम बस थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे और बस परी के लिए रेडी हो जाएगा। और ये मैं पानी डालकर उसको थोड़ी देर पकने दूंगी, क्योंकि बच्चों को वैसे भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं देने चाहिए क्योंकि उनका अभी आते इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती हैं और बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम भी ना हो, तो इसलिए ज़्यादा स्पाइस नहीं खिलाना चाहिए। तो ये परी का रेडी हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने टोमेटो केचप डाल दिया है और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये देखिए। और ये परी का भाजी रेडी हो गई है। अब हमें रेडी करना है पाव, बट और ये थोड़ा सा बटर वाला घी डाल दिया है, बटरी। अब अमूल नहीं मिलता है तो ब्रिटिश हार्ट से काम चलाना पड़ता है, तो वो डाल दिया। और ये मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आप चाहें तो लास्ट में
लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं अमचूर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अमचूर का टेस्ट अलग ही आता है इसलिए भी मैंने ऐड किया। और अब बस हमारे पाव पाव में हम थोड़ा सा घी या बटर लगा लेंगे और दोनों तरफ अच्छे से सेंक लेंगे। थोड़ा सा सेकने पर ऐसा सेकने जैसे आप ब्रेड सेकते हो ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कुरकुरा हो और एकदम से कड़क भी ना हो। बस तो ये रेडी हो गई तो आपकी पाव भाजी। थोड़ा सा सैलेड काट लीजिए और छोटी सी प्याज को चॉप करके थोड़ा सा प्याज ऊपर से डाल के खाइए, वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नॉर्थ इंडिया या महाराष्ट्र में आप जाओगे तो उसके ऊपर बटर डालते हैं, अमूल बटर, तो वो जो टेस्ट आता है ना वो अल्टीमेट होता है। अभी मैंने मिनिमम इसमें बटर डाला है ताकि ज़्यादा हैवी ना हो जाए। तो ये नॉर्मल सा हमारा लंच रूटीन था आज का, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ मेरी गुड़िया रानी दे रही हैं अपना रिव्यू, उनको मैं बता रही हूँ कैसे खाओ, क्योंकि ये वाले पाव हमारे यहाँ जैसे पाव नहीं है, ये बंस वाले जो सैंडविच वाले होते हैं वो उस टाइप के हैं, तो उसको वैसे खाने की कोशिश कर रही थी। अब उसको समझ में आया कि इस तरह से खाएं। तो अभी परी हाउ इट इज टेस्ट कर रही है स्कूल से आने के बाद, डू यू लाइक इट। और ये है आज मेरी थाली, तो इसमें आप प्याज को थोड़ा सा चॉप करके सब्जी जो आपकी भाजी है उसके ऊपर डालिए, फिर आप खाइए। और अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है, मिर्च ज़्यादा पसंद है, तो आप डाल सकते हो। और अब मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो परी थोड़ी सी हेल्प कर रही है, तो मैं भी उनको करने देती हूँ कि वो भी सीखें, उनको भी पता चले कि कैसे कपड़ों को सुखाया जाता है, कैसे कपड़ों को निचोड़ा जाता है, कैसे फैलाया जाता है और काम कैसे किया जाता है। तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ये केवल परी के बारे में नहीं है, सारे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। और ये है आज शाम का बहुत सुंदर नज़ारा आप सभी के लिए। मैं हमेशा अपने बेडरूम की खिड़की में आकर ये नज़ारे देखती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, तो मन को बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक ऊर्जा से मन भर जाता है, सारी नेगेटिविटी चली जाती है। और इसको देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि ये आसमान इतना बड़प्पन से भरा है तो हम ओछापन क्यों नहीं छोड़ सकते। मन में ईर्ष्या की भावनाएं तो आती रहती हैं। और ये है मेरी कॉफ़ी, फटाफट चाय बनाने में इतना झंझट कौन करे, तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कपड़ों का अंबार, ये सारे धुले हुए कपड़े हैं जो दो बार में वॉश होके कपड़े धुले थे, वो सूख गए हैं, तो अभी उनको मुझे तय करके रखना है, फोल्ड करके रखना है। और बाकी आज जो कपड़े बहुत सारे धुले, मेरी आदत क्या है, मेरे पास कपड़े इसलिए होते हैं क्योंकि परी के कपड़े भी होते हैं और अंजलि ऑफिस के भी कपड़े होते हैं, घर के भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, तो मैं तुरंत उनको एक दो दिन में वॉश कर देती हूँ। और जो कोई दिन अच्छा होता है, किसी दिन आप बहुत फुर्सत से रहते हो, आपके सारे काम फटाफट हो जाते हैं, कोई दिन अच्छा नहीं होता है, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन हु हैज़ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, हाउस होल्ड थिंग्स। तो इसलिए ठीक है आज ये नहीं हो पाया, और मुझे इस चीज़ में कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हो रहा है कि पीछे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और पीछे वो दिख रहा है। इट हैज़ टू बी यू नो शोन टू एवरीवन दैट कभी कभी आप जब घर में काम करते हो, आप ऑफिस में भी काम करते हो, आपका डेली आपका दिन अच्छा नहीं जाता है, किसी दिन आप काम करते हो प्लस होता है, किसी दिन माइनस होता है, किसी दिन मूड बहुत अच्छा होता है, किसी दिन बिल्कुल सेट सा रहता है, तो ऐसे ही घर के काम भी होते हैं। तो बस यही है, और मैनेजमेंट करना उसको दोनों जगह ही बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी रुकते हैं, और आज हमें जाना है किसी एक हमारे एक फ्रेंड के यहाँ पर, तो वो अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जो लोग हमारे घर विज़िट किए थे यस्टरडे मीन्स ऑन ट्यूसडे, तो आज हम लोगों को निमंत्रण है उनके घर पर जाना है फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए इस ब्लॉग को, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए मैं फिर से आपको थोड़ा सा शाम डली, ये शाम के 5 बजे का बहुत सुंदर नज़ारा है मेरे बेडरूम की खिड़की से अगेन।
तो मैं वही बात कर रही थी कि कुछ भी मन में जो नकारात्मक भावनाएं आती हैं ना, ऐसे व्यू देख के, सीन देख के बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। और ये परी सो रही थी और हमको अभी जाना है अपने फ्रेंड के घर, तो मैं इसको 5:30 बजे ये सोफ़े पे ही सो गई थी थक के, तो मैं उठा रही हूँ। 5:30 बज गए, हमको 6:30 तक निकलना पड़ेगा। तो अब ये थोड़ा सा उठ रहे हैं, मैं 2-3 मिनट तो लगेंगे इनको। तो हम लोग निकल रहे हैं, चलो। और अभी शाम के बज गए हैं 6:30, ठीक है। ये है रात का व्यू और ये शाम 6:30 बजे जैसा चंद्रमा दिख रहा था रहा और उसके ऊपर आपको एक चमकता हुआ ग्लिटरिंग स्टार दिख रहा है, दैट इज पीनस, शुक्र ग्रह है। वो इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया जितना खूबसूरत दिख रहा था। ये फाइनली हम उनके घर पहुंच गए हैं जो हमारे यहाँ विजिट करने आए थे ट्यूसडे को। परी वहाँ पे डांस कर रही हैं कुछ सॉन्ग्स लगा के, और मैं किचन में हूँ और साथ में अंकित के कुछ कलीग भी हैं। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। हमारा मेन्यू था आलू का पराठा, रसम, राइस एंड पायसम। तो ये उनका घर है, ये एक रूम है, एक बेडरूम और है, और ये लोग हैं, ये उनकी लविंग वाइफ। और ये है रात के 10 बजे का व्यू जो मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया है कैमरे में। सारी सड़कों पर सन्नाटा, बस दो चार कार आपको जाते हुए दिख जाएंगी। और इतनी ठंड हो गई थी क्योंकि सनी डे था, तो ठंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए मैंने शॉल को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 27th of February और मैं कल का ब्लॉग आज एंड कर रही हूँ क्योंकि कल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अभी बजे हैं 7:30, जिसमें परी तो बहुत ज़्यादा थक गई है, और आज है दिन गुरुवार। और आज क्या स्पेशल है ये मैं आपको बताती हूँ आने वाले ब्लॉग में। ऐसा क्या है आज जो आप देख के खुश भी हो जाएंगे और दंग भी हो जाएंगे। कल का ब्लॉग पहले मैं एंड करती हूँ। कल ऐसा था कि हम लोग अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे, तो वो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, बट ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं। आप मेरी आंखें देख रहे होंगे अभी भी लाल, क्योंकि रात में आने के बाद परी को जो उसका रूटीन होता है रात का, ब्रश कराना, फिर उसको कुछ खाने को, वहाँ से तो वो खाना खा के आई थी। उन्होंने आलू के पराठे बनाए थे, राइस बनाया था और रसम बनाई थी, और स्वीट में पायसम था। सो इट वाज वेरी यमी फूड। और फिर उसके बाद जो टिपिकल साउथ इंडियन फूड होता है, लेकिन उन्होंने आलू का पराठा बनाया था स्पेशली कि हम लोग भी हैं, तो लोग आए। फिर उसके बाद 11:30-12 बजे हम लोग 10 बजे तो लौट के आए, 10:15 बजे, और उसके बाद सोने में हम लोगों को टाइम लग गया। 11:30-12 पे सोए हम लोग, इसीलिए आज ये हालत है। मैं ब्लॉग को भी एंड नहीं कर पाई तरीके से, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक रखिए अपना ख्याल और अपनों का, मिलते रहिए, यूं ही गुफ्तगू करते रहिए। बाय बाय।